ओम शांति। आज है 2/4/2022 दी साकार बाप दादा जी दी मुरली। आज बाप दादा जी ने आख्या, मिठे बच्चे मात पिता जी दे सीजरे विच आना है तो उन्हां नू पूरा फॉलो करो, उन्हां जी दे समान ही मिठे बनो, चंगी तरह पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न हैगा, केड़ा गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त गल्ला समझण दे लई चंगी बुद्धि चाहीदी है? उत्तर हैगा, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव विच मम्मा बाबा नहीं हो हैं हन। सरस्वती ता ब्रह्मा दी बेटी है, ओहो भी ब्रह्मा कुमारी हन। ब्रह्मा ही तुहाडी वड्डी मां हन, परंतु मेल हन। इसलिए माता जगदम्बा नू कह दिता है, यह वड्डी रहस्य युक्त गहरियां गल्लां ने जिसनू समझण दे लई बड़ी चंगी बुद्धि चाहीदी है। दूजी गल हैगी, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा नू प्रजापिता नहीं कहा जांदा, प्रजापिता एथे हैगा। यह व्यक्त जदों संपूर्ण पवित्र हो जाता है ता संपूर्ण व्यक्त रूप विखाई देता है। उत्थे मूवी भाषा चलती है, देवतावां दी महफिल लगती है। ऐ समझण दी बड़ी गहरियां गल्लां हन। गीत हैगा, माता ओ माता तू है सब दी भाग्यवदाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह साडा ईश्वरी ईश्वरी यूनिवर्सिटी हैगी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही हैगा, उन्हां दा शास्त्र भी एक ही होना चाहिदा है। जिवें धर्म स्थापक एक होंदे हन, उन्हां दा शास्त्र भी एक ही होना चाहिदा है। फिर पल छोटी मोटी पुस्तकां अनेक बना दित्तियां ने, वैसे शास्त्र एक ही हुंदा है। ता एह भी गॉडफादर दी यूनिवर्सिटी हैगी। वैसे फादर दी यूनिवर्सिटी ता कोई हुंदी ही नहीं, यूनिवर्सिटी ता गवर्नमेंट दी हुंदी है। इसनू कहा जांदा है मदर फादर दी यूनिवर्सिटी। केड़े मदर फादर? फिर कहांगे गॉड गॉडिस। गांदे भी हन, तुसी मात पिता असी बालक तेरे, ता जरूर पिता ही फर्स्ट होया ना। भगवान नू वाच, भगवान बै समझांदे हन और सब जगह मनुख मनुखा नू पढ़ांदे हन। एथे निराकार बाप तुसी आत्मावां नू पढ़ांदे रहंदे हन। यह बड़ी विचित्र गल हैगी, मनुष्य समझ ना सकन। एवें नहीं कोई कह सकदा कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर सानू आके पढ़ांदे हन। एथे तुहानू परमपिता परमात्मा पढ़ांदे हन। किसी दी भी बुद्धि विच एह सारियां गल्लां नहीं बैणगियां, ना पढ़न वालियां दी बुद्धि विच होवेगी ना पढ़ाण वालियां दी बुद्धि विच होवेगी। एथे तुसी जानदे हो गॉड फादर सानू पढ़ांदे हन। सारे फादर उच्चे ते उच्चा, सारे फादरां तो उच्चे ते उच्चा एक ही हैगा, और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा दा भी फादर उहियो हैगा, सब नू ओह पढ़ांदे हन। ब्रह्मा नहीं पढ़ांदे, निराकार बाप इन द्वारा पढ़ांदे हन। पल मनुख जानदे हन ब्रह्मा सरस्वती एडम अते ईव हन, परंतु उन्हां तो भी उच्चा हैगा निराकार। ओहो तो फिर उस तो फिर भी साकार विच भी हैगा। तुसी बच्चे हुण जानदे हो, तुहानू ए पता लग पिया है कि निराकार बाप आके सानू पढ़ांदे हन। तुहानू नॉलेज देने वाला तो ओहियो गॉडफादर हैगा। कहंदे हन ग्रस्त व्यवहार विच रहंदे तुहानू नॉलेज पढ़नी है। वास्तव विच ग्रस्त व्यवहार विच कोई पढ़दे नहीं, मुश्किल कोई सैकेंड कोर्स उठांदे हन। एथे तुहानू पूरा निश्चय हैगा कि सानू निराकार परमात्मा आके पढ़ांदे हन। ऐ साकार मम्मा बाबा भी उस तो ही पढ़दे हन। ऐ बढ़िया गुहियां गल्लां हन।
जदों तक बाप ना आके समझावे तब तक कोई समझ ना सके। तुसी भले एन एन मम्मा आखदे हो परंतु जानते हो ए ब्रह्मा दी एडोप्टिड बेटी है। एडोप्ट ते तुहानू भी किता है परंतु तुहानू मम्मा नहीं कहा जांदा। ए दैवी परिवार है। मम्मा बाबा दादा भाई भैन सारे हन। तुसी हुण हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ओ भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है परंतु उसनू जगदम्बा कहा जांदा है क्योंकि एह ब्रह्माता मेल हो गया ना। ऐस लई मम्मा नू निमित बनाया है। मम्मा नू भी एन द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने ही रचया है परंतु ना जानन कारण फिर मां आख देंदे हन। ऐस लई कादे मुजीब माता चाहिदी है एना नू नमित बनांदे हन। ऐ बड़िया रमणीक गल्लां ने। नवा कोई भी आवे ता समझ ना सके जदों तक उन्हां नू बाप अते रचना दा परिचय नहीं तदों तक वड्डा मुश्किल समझदे हन। वेद शास्त्र आदि पढ़ना डॉक्टरी पढ़ना ऐ सब हैगी मनुखां दी पढ़ाई। मनुख मनुख नू पढ़ांदे हन। इहो जो एवें कदे भी नहीं कहांगे कि मैं आत्मा आत्मा नू पढ़ांदा हां। ऐ सिर्फ एथे दियां ही गल्लां हन। एथे तुहानू देह अभिमान विच्चों निकाल के देही अभिमानी बनाया जांदा है। देह अभिमान पहला नंबर विकार है। देही अभिमानी कोई भी नहीं हैगा। जानदे ही नहीं कि आत्मा अते शरीर दो चीजां हन। परंतु आत्मा कित्थों आंदी है उसका बाप कौन है ऐ भी कोई नहीं जानदे। ऐ सारिया नवीं गल्लां ने नई दुनिया दे लई। नवी दिल्ली कहंदे हन ना परंतु न्यू वर्ल्ड विच इस दा नाम दिल्ली नहीं हुंदा। ऐसनू परिस्थान कहा जांदा है। पहले पहले ऐ निश्चय होना बहुत जरूरी हैगा कि असी ईश्वरीय संतान हाँ। दैवी संतान अते ई आसुरी संतान विच रात दिन दा फर्क हैगा। ओहो हैगे भ्रष्टाचारी असी हुण हाँ श्रेष्ठाचारी। गांधे भी हन हे मात पिता आओ आके सानू श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक देव जी ने भी आख्या भगवान आके मूत पलीती कपड़िया नू धोंदा है। तुसी आपे ही पूज्य ते आपे ही पुजारी किवें बनदे हो। ऐ सारियां समझण दे गल्लां हन। सदा पूज्य ते एक ही परम पिता परमात्मा है। उसनू पूज्य बनाया उसने ही पूज्य बनाया है देवतावां नू। उस तो पहला मात पिता नू बनाया। मम्मा बाबा नू एडोप्ट किता। पतिता नू पावन बनांदे हन। आंदे भी पतित दुनिया विच हन। ब्रह्मा दा चित्तर उपर दिता होया है। हुण तुसी मूल वतन सूक्ष्म वतन अते स्थूल वतन दा सारा राज जानदे हो। सूक्ष्म वतन की हैगा उत्थे कौन जा सकदे हन ऐ भी तुसी जानदे हो। उत्थे मम्मा बाबा नू भी वेखदे हन। उत्थे देवतावां भी आंदे हन महफिल मनांदे हन क्योंकि देवता इस पतित दुनिया विच पैर नहीं रख सकदे। इस लई सूक्ष्म वतन विच मिलदे हन। फिर ओह है पियर घर अते ससुर घर वालों दा मिलन। नहीं तां तुसी ब्राह्मण अते देवता किवें मिलो। ते ऐ मिलन दी युक्ति हैगी। सम्मुख साक्षात्कार कराना भी बुद्धि विच जानना है। ऐ ड्रामा दी नूंद हैगी। तुसी बच्चियां नू 5000 वरिया बाद फिर तो ऐ शिक्षा मिलदी है कि अपने नू आत्मा समझो अते परमात्मा नू याद करो। इस याद तो ही तुहाडे विकर्म भसम होणगे। हुण तुसी विकर्मा जीत बनदे हो। पहला पहला जो सतयुग विच आंदे ने ओयो विकर्मा जीत कहलाए जांदे ने। पतितां नू विकर्मी पावन नू सुकर्मी कहा जांदा है। तां ही विकर्मा जीत राज चलदा है। संवत भी विकर्मा जीत कहा जांदा है। हुण तुसी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो।
ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਦੇਹੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾ ਜੀਤ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹ ਜੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਤ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਉੜਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਕਸ਼ਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੋ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਵ੍ਰਿਤੀ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਵ੍ਰਿਤੀ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।